नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन मिश्रा। पीके हिंदी ज्ञान बुक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपका भी मोबाइल फोन हैंग करता है या फिर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपका जो मोबाइल फोन है वो नए जैसा हो जाएगा और जिंदगी में कभी भी आपका मोबाइल फोन हैंग नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको जो भी सेटिंग्स बताने वाला हूँ उन्हें आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इन सेटिंग्स को थोड़ा भी मिस कर देते हो तो आपके मोबाइल फोन की हैंगिंग प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होगी। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि बिना किसी सेटअप को मिस किए हुए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आप वीडियो के नीचे अंगूठे का आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा एक घंटे का आइकन, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ऑप्शंस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, हमारा मोबाइल फोन तभी हैंग करता है जब हम ऑनलाइन होते हैं, या फिर कहें कि हमारे मोबाइल फोन का जो है डेटा ऑन होता है तभी हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है। तो इसके लिए मैं जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या हमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है, जो लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको जो है थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ऑटो अपडेट ऐप्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, दोस्तों ये सेटिंग बहुत से लोग नहीं करते हैं, इससे उन सभी लोगों का जो है मोबाइल फोन हैंग करता रहता है। दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑटो अपडेट एप्स ओवर वाईफाई ओनली, इससे क्या होता है दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में आपने बहुत सारे एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करके रखे होंगे, पर उन एप्लीकेशन के जो डेवलपर हैं वो बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, और जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन का डेटा जो है ऑन करते हैं उसी समय वो सभी एप्लीकेशन जो है अपडेट होने लगते हैं, इसी कारण से आपका मोबाइल जो है हैंग करने लगता है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स पर यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर अपडेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो एप्लीकेशन आपको जो है इम्पोर्टेंट है ये एप्लीकेशन, इसे अपडेट करना, तो इसके लिए आप मैन्युअली प्ले स्टोर में जा करके और उस एप्लीकेशन को अपडेट कर सकती हैं, पर इससे आपका जो है मोबाइल फोन हैंग नहीं होगा। इस सेटिंग्स के बारे में दोस्तों बहुत से लोग नहीं जानते हैं, इसी कारण से उन सभी लोगों का जो है मोबाइल फोन हैंग करता रहता है। तो अब चलिए मैं आपको जो दूसरी सेटिंग्स है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों, आपके मोबाइल में भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आते होंगे, तो दोस्तों कुछ नोटिफिकेशन है जो आपके काम के होते हैं और कुछ नोटिफिकेशन जो आते हैं बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि आपके किसी काम के नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की जो है सेटिंग को ओपन कर लेना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो है इंस्टॉलेड ऐप्स का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किए होंगे वो सभी यहाँ पर जो है दिखाई देंगे। तो जैसे हमें जो है जीमेल का, फेसबुक, व्हाट्सएप और जो है यूट्यूब का नोटिफिकेशन चाहिए, बाकी बहुत सारे एप्लीकेशन है पर सभी का नोटिफिकेशन बीच बीच में आता रहता है। इससे होता क्या है कि जब भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं तो हमारे बैटरी और प्रोसेसर इन सभी चीज़ों पर जो है उसका लोड पड़ता है, तो इससे जो है हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग करने लगता है। तो ये जो बाकी के नोटिफिकेशन आते हैं तो इन्हें हमें बंद करना है, तो इसे कैसे करना होगा, तो यहाँ पर जो
देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो MP3 वीडियो कन्वर्टर, इस पर जब मैंने क्लिक किया, आप किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है तो यहाँ पर शो नोटिफिकेशन जो ऊपर है इसे आपको जो है डिसेबल कर देना है इस तरह से, तो अब ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके मोबाइल में कभी भी नहीं आएगा और इसकी आपको कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। तो आपको जिन भी एप्लीकेशन की आवश्यकता ना हो, जैसे ये न्यूज डॉग, अगर आप इसे भी यहाँ से डिसेबल करना चाहते हैं, इसका नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल में बराबर आता रहता है, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ से इसे भी डिसेबल इस तरह से कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो न्यूज डॉग है इसका नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल फ़ोन पर नहीं आएगा। तो जब बहुत सारे नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल फ़ोन पर नहीं आएंगे तो हमारा मोबाइल फ़ोन जो है हैंग नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको जिन भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन जो है नहीं चाहिए, उन्हें आप यहां से डिसेबल कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों आपके मोबाइल की एक जो है इम्पोर्टेंट सेटिंग है, अगर आप इसे कर देते हैं सभी एप्लीकेशन पर तो आपका मोबाइल फ़ोन हैंग नहीं करेगा। और दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में दो ब्राउजर से अधिक यूज कर रहे हैं तो उन्हें आप मत यूज करिए, क्योंकि इससे होता क्या है, जब आप बहुत से ब्राउजर यूज करते हैं तो उन सभी ब्राउजर में जो वेबसाइट होती हैं वो अपडेट होती रहती हैं, तो इनसे आपका मोबाइल फ़ोन जो है हैंग करने लगता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, यूज करें दो ही ब्राउजर अपने मोबाइल फ़ोन में यूज करें, और जो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज करते होंगे, पर बहुत से ऐसे भी एप्लीकेशन हैं जिन्हें आप बहुत दिनों से यूज भी नहीं करते होंगे, वो महीनों से ऐसे ही पड़े रहते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में और आपका डेटा जो है मोबाइल का खाते रहते हैं और प्रोसेसर और बैटरी पर लोड भी उनका पड़ता रहता है, तो उन्हें भी आप यहाँ से यूनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि इनसे आपको कोई भी फायदा नहीं, इनसे आपका मोबाइल फ़ोन हैंग ही करेगा। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स बारे में जो मुझे जानकारी थी वो आपको बताया है। ये सेटिंग्स अगर आप कर लेते हो तो आपका मोबाइल फ़ोन कभी भी ज़िंदगी में जो है हैंग नहीं करेगा, चाहे वो नया फ़ोन हो या फिर आपका पुराना फ़ोन। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी PK हिंदी ज्ञान बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द ही हाजिर होंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।